बारे राजेंद्र नगर गली नंबर 2 भाई रहने लायक नहीं है। कैसे लोग रहते होंगे आप नहीं देखे हैं इधर आके? सुनिए ना, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं सुनिए ना, आज कर लीजिए, कल सुबह पूरा टीम लेके यहाँ पहुँचिए, हम इस गली में शाम को आएंगे। दिन भर में इसको ऐसा कीजिए ना कि लगे कि नहीं नगर पालिका भी जिंदा है मरा नहीं है। ऐसे नगर निगम नहीं है, ये नरक निगम हो गया है। जीवन भैया जिंदाबाद। अगर कोई सिलापट वलापट की जरूरत हो, कोई सफाई में किसी भी प्रकार का सामान चाहिए यहाँ ला के लगाइए, लेकिन कॉल तक सफाई कराइए। बिहार की तेजी से बढ़ती हुई रिटेल चेन फार्मेसी ब्लू मेडिक्स अब आपके शहर सिवान में। जी हां, अब सिवान वासियों को मिलेगी 2,00,000 तरह की दवाइयां 20% छूट के साथ। सेंटर पॉइंट चकिया बिंदुसार रोड सिवान, संपर्क करें 9264470969 पर। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सिवान नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 27 राजेंद्र नगर मोहल्ले में समाज सेवी जीवन यादव पहुंचे और लोगों से मुलाकात कर वार्ड से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी ली। जीवन यादव को देखते ही राजेंद्र नगर मोहल्ले में स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उपस्थित लोगों ने वार्ड की स्थिति से समाज सेवी जीवन यादव को अवगत कराया। किसी ने जल जमाव और साफ सफाई की समस्या बताया तो किसी ने सड़क नाले की समस्या बताया। स्थानीय लोगों के समस्याओं को सुनकर जीवन यादव तुरंत एक्शन में आ गए और सफाई कर्मियों को फोन कर 24 घंटे के अंदर साफ सफाई करने का आदेश दिया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। सफाई कर्मियों को जीवन यादव ने कहा कि मुझे अगर इस वार्ड में गंदगी देखने को नहीं मिली तो आप सभी को बेहतर ढंग से कार्य करने का इनाम दिया जाएगा। इस दौरान स्थानीय लोगों में निवर्तमान पार्षद व पार्षद प्रतिनिधि मुन्ना चौधरी के प्रति आक्रोश देखने को मिला। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा वार्ड 27 की जनता और समाज सेवी जीवन यादव ने। अरे राजेंद्र नगर गली नंबर 2 भाई रहने लायक नहीं है, कैसे लोग रहते होंगे आप नहीं देखे हैं इधर आके? सुनिए ना, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं सुनिए ना, आज कर लीजिए, कल सुबह पूरा टीम लेके यहाँ पहुँचिए, हम इस गली में शाम को आएंगे। दिन भर में इसको ऐसा कीजिए ना कि लगे कि नहीं नगर पालिका भी जिंदा है मरा नहीं है। ऐसे नगर निगम नहीं है, ये नरक निगम हो गया है। जीवन भैया जिंदाबाद। अगर कोई सिलापट वलापट की जरूरत हो, कोई सफाई में किसी भी प्रकार का सामान चाहिए यहाँ ला के लगाइए, लेकिन कॉल तक सफाई कराइए। मैंने कराई इनाम देंगे, ये गली साफ करेगा तो आप लोग को इनाम देंगे आपकी टीम को, ठीक है? कॉल शाम तक हम आए तो एकदम चिकन होना चाहिए, ठीक है? नंबर नोट कर लीजिए 2-4 लोग का। अरे हम लोग राजेंद्र नगर में गली नंबर 2 में इतना गंदगी में रहते हैं, हमने वार्ड कमिश्नर से कम 20 बार यहाँ पर कंप्लेन किया। मुन्ना जी, मुन्ना चौधरी 5 साल जीतने हुए हो गया, मगर अभी तक 5 साल हो गया उनके जीते हुए, लेकिन हमने यहाँ से मोहल्ले से 10-20 आदमी बराबर उनके पास जाते हैं लोग, लेकिन हम लोगों का कंप्लेन केवल किताबों में है कि पास हो गया है, लेकिन वो अभी तक ये काम। अभी आप लोग वार्ड में, आप लोग मोहल्ले में जीवन यादव आए हुए हैं? हाँ, जीवन यादव आए हुए हैं और उन्होंने मुझे तसल्ली दिया है कि आज या कल तक ये काम पूरा संपूर्ण कर दिया जाएगा और ये सफाई हो जाएगा। जीवन यादव तो अभी नगर परिषद में किसी पोस्ट पे भी नहीं है, वो सामाजिक कार्यकर्ता है। हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता है और उन्होंने जनता की सेवा करने के लिए हम लोगों का बात सुना और कार्य किया। क्या देखे हम यहाँ की समस्या? नगर पालिका नरक निगम बन चुका है 10 साल से। बताइए, हमारे तरह युवा पीढ़ी के लोग 15 साल से आश्वासन पे जी रहा है,
15 साल आश्वासन का मतलब होता है कि एक लड़का 15 साल और 5 साल और 5 साल के बाद बालिग हो जाएगा, 3 साल के बाद लड़कियां बालिग हो जाए, 5 साल 6 साल के बाद लड़के बालिग हो जाए। उतने सालों से ये लोग ऐसे कष्ट में जी रहे हैं। अब बताइए, नगर पालिका क्षेत्र है सिवान का, इतना महंगा इलाका, शिक्षित इलाका, और तब ये लोग बताइए इसे प्रॉब्लम में है और कोई सुनता नहीं है, ना अधिकारी सुनता है, नेता शायद सुनता नहीं होगा, इसीलिए तो ये पोजीशन है। वार्ड कमिश्नर लोग भी शायद कह रहे हैं, लोग सुनते नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे कि हमारे सिवान का दुर्भाग्य है, यहाँ के रहने वाले लोगों का दुर्भाग्य है। हमको खुशी है कि हमारा इलाका सस्ता भी है और साफ सुथरा इलाका है, गांव में हम लोग रहते हैं, शहर वार्ड भी है। लेकिन आप लोग महंगे के इलाके में शिक्षित होकर भी आप लोग दुर्भाग्यपूर्ण जी रहे हैं, इसका कारण कोई और नहीं, आप लोग स्वयं है। आप लोग अगर एक अच्छा आदमी चुनते, 15 साल पहले तो हम सिवान में थे ही नहीं, हम कुछ दिन पहले आए हैं, अगर आप सही नेतृत्व करने वाले को लाए होते तो आपको यहाँ, हमको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका नेता ही आके सर्वे करता और देखता कि भाई आपको परेशानी क्या है। हमने एक वादा किया है कि नौ हम देंगे शिकायत केंद्र, काहे लिए शिकायत केंद्र खोलेंगे, यही कारण है। मान लीजिए अपने नगर पालिका में जा रहे हैं, अधिकारी नहीं सुन रहा है, नेता वहां परमानेंट बैठेगा नहीं, ठीक है, नेता परमानेंट कुर्सी पर नहीं बैठा रहता है, कहीं ना कहीं फील्ड में कहीं कोई काम से हो, शिकायत केंद्र होना बहुत जरूरी है डिस्ट्रिक्ट में। आपके डिस्ट्रिक्ट में शिकायत केंद्र खोला जा रहा है, शिकायत केंद्र में आप लोग जैसे ये परेशानी है, जैसे यहाँ कचड़ा है, कचड़ा नहीं है महा कचड़ा है, अगर ये शिकायत नगर पालिका में कोई अधिकारी बढ़िया होता, अगर नेता कोई बढ़िया होता, आप शिकायत डाले होते तो सुना होता, तो इतनी गंदगी में हमको इतनी परेशानी झेल के नहीं आनी पड़ती। आप तो परमानेंट रहते हैं, हम एक दिन आए तो इतना परेशान है, हमारे साथ जो मीडिया भाई लोग चाहे और भी लोग हैं आए हुए हैं, ये एक दिन के लिए आए हैं, लेकिन आप लोग परमानेंट रहते हैं। कोशिश कीजिए कि अच्छा नेतृत्व करता को लाइए। कल शाम तक हम दोबारा इस वार्ड से आएंगे ना, तो नाक पे रुमाल रख के नहीं आएंगे, हम नगर पालिका का भरोसा नहीं है। अरे आए हैं, अच्छा लग रहा है, काम भी हो रहा है। जीवन यादव जी की वजह से सिवान का कुछ अलग राजनीति बदल चुका है। ऐसे ही प्रत्याशी, ऐसे ही वार्ड के नेता होना चाहिए, ऐसे राजनेता होना चाहिए कि जो अपने सिवान के बारे में सोचे, अपने जनता के बारे में सोचे, अपने बारे में ना सोचे। वार्ड में कई सारी समस्या थी हैं, और पता ना जो भी जीतता है सबको यही रहता है कि हम काम करेंगे, लेकिन जीतने के बाद सबका विचार बदल जाता है। जीवन यादव के समर्थन की प्रत्याशी क्या लगता है? नहीं नहीं, वो प्रत्याशी उन है, जीतना तो चाहिए क्योंकि उन्होंने जो काम किया सिवान में उस हिसाब से जीतना चाहिए, बाकी जनता का मूड क्या है कोई बता नहीं सकता। संतोषी माता मंदिर बहुत धार्मिक स्थल है, जो बहुत दूर दूर से जिले के लोग आते हैं यहाँ पे, और ज़िले में सबसे ज़्यादा जो पूजा होता है ये संतोषी माँ मंदिर पे होता है, और यहाँ का मानना है कि जो भी मन्नत जो मांगता है वो पूरा हो जाता है। जीवन यादव को भी आप मंदिर में दर्शन करवाएं? हाँ, जीवन यादव जी मंदिर पे आए थे, पूजा पाठ किए, अपना दर्शन भी किए हैं, और मंदिर के बारे में भी बोले कि बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है, जो हम भी आप लोग के मंदिर के निर्माण के साथ हम भी